Kangana Ranaut, who will be seen playing a mentally ill girl, Bobby, in the upcoming film Judgemental Hai Kya, recently recalled the phase between 2016 and 2017 when she was shamed and called mentally unstable. At the Judgemental Hai Kya trailer launch, when she was asked about it, she shared, I think meri zindagi mein ek phase aaya tha jisme मुझे ये कह कह के काफ़ी शेम करने की ओपनली कोशिश की गई थी कि ये एक्चुअली में इसको दिमागी प्रॉब्लम है, ये मेडिकेशन पे है, तभी ऐसे क्लेम कर रही है. एंड उसका मैंने एक जवाब भी दिया था कि यू नो सो व्हाट, जबकि मैं किसी मेडिकेशन पे नहीं हूँ, अगर मैं होती भी तो मुझे लगता नहीं मुझे शर्मिंदगी होती इस बात की. लेकिन फिर जब मुझे कनिका जी ने ये रोल सुनाया तो ये बात ज़रूर है कि इसके करके जो सहानुभूति है वो बहुत ज़्यादा हो गई मेरी तरफ से, कि मुझे ऐसा लगा कि ये रोल को मुझे सुन के ऐसा लगा जैसे मेरी ही कहानी है. क्योंकि अगर वो फेज़ मेरी ज़िंदगी में नहीं आया होता, 2016-17 का था जो, उससे पहले अगर मैंने आपकी कहानी सुनी थी तो मुझे नहीं लगता ये भी एक इशू है कि यू नो लाइक एक लड़की को सब पगली पगली बुलाते रहते हैं और उसकी और यू नो वो भी थोड़ा सा ऑफ है, थोड़ा ऑफ बीट है. तो ये जो मेरी ज़िंदगी में जो फेज़ आया उसके करके मैंने बहुत रिलेट किया इस फिल्म से. आई थिंक सो मुझे एक्चुअली में ना कॉम्प्लीमेंट लगता है और ना किसी तरह का ह्यूमिलिएशन लगती है. आई एम ओके अगर मेरे बारे में लोग अगर मुझे लोग झांसी की रानी सोचते हैं, मेंटल सोचते हैं, वोला में सोचते हैं, या गैंगस्टर की मोल समझते हैं, या तन्नु समझते हैं, दत्तो समझते हैं. सो फॉर मी इट इज़ नीदर अ कॉम्प्लीमेंट नोर अ ह्यूमिलिएशन. द स्टोरी ऑफ द फिल्म इज बेस्ड ऑन अ मर्डर एंड हाउ अ यंग मैन केशव प्लेड बाय राजकुमार राव एंड अ गर्ल प्लेड बाय कंगना आर इन्वॉल्व्ड इन इट. जजमेंटल है क्या इज सेट टू रिलीज ऑन जुलाई 26.